बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलीम नवाज और आप देख रहे हैं डेली न्यूज टीवी। 24 न्यूज के मालिक चीफ एग्जीक्यूटिव जनाब मोहसिन नकवी साहब के ऊपर एक एफआईआर दर्ज हुई है उनके खिलाफ। ये एफआईआर क्यों दर्ज की गई, कहां दर्ज की गई, इसके पीछे वजह क्या है, इस एफआईआर में कौन कौन से सेक्शन लगाए गए हैं, इस वीडियो में ये मालूमात मैं आप तक पहुँचाऊंगा। तो वीडियो आप लोग मुकम्मल देखें ताकि आपको मामला समझ में आ जाए। 10 मुहर्रम अल हराम को कराची की एक शाहरा पर जाकिर तकी जाफर ने वहां पर अरबी में कुछ कलमात पढ़े और उन कलमात में उन्होंने दो सहाबाए कराम के ऊपर नाउजु बिल्ला लानत भेजी। वो क्लिप जो है सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। जब वो ये कलमात अदा कर रहे थे, वो कलमात पढ़ रहे थे, तो उस दौरान 24 न्यूज उनको बकायदा कवरेज दे रहा था। अब 24 न्यूज के मालिक सीईओ कौन है, जनाब मोहसिन नकवी साहब, ठीक है। वो चैनल उस दुआ को बराह रास, उस कलमात को बराह रास नशर कर रहा था। फिर ये क्लिप निकाला गया और ये क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जो लोग अरबी जानने वाले थे, चूंकि ये कलमात जो है वो अरबी में कहे जा रहे थे, लिहाजा जो अरबी जानने वाले लोग पाकिस्तान में मौजूद है, उन्होंने ये क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल किया और लोगों ने सख्ती से इसके ऊपर अपना रद्द अमल दिखाया। और रद्द अमल दिखाने के बाद लोगों ने मुतालबा करना शुरू कर दिया कि ये जाकिर तकी जाफर को गिरफ्तार किया जाए, उन्होंने तौहीन सहाबा किया है। क्योंकि उन्होंने दो असहाब कराम हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन और हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन पर बराह रास्त नाउज़ु बिल्ला भेजी, ठीक है। आप लोग को पता है मैं बार बार अल्फाज नहीं दोहराना चाहता। तो ये कलमात जो है 24 न्यूज़ पर बराह रास्त नशर किए जा रहे थे, सोशल मीडिया पर क्लिप वायरल हुआ, वहाँ पर अवाम ने शदीद एहतजाज किया, शदीद रद्द अमल दिखाया, आउटरेज जो है वो सामने आया, अवाम शदीद गुस्से में थी। जिसके बाद 24 न्यूज़ की इंतज़ामिया, 24 न्यूज़ चैनल ने बाकायदा तौर पर अपने ख़बरनामे में और एक अलग पैकेज बनाकर उन्होंने माफ़ी मांगी। उन्होंने अपनी खबर स्क्रीन पर चलाई और उन्होंने ये रीज़न बताई, चूँकि ये जो कलमात थे वो अरबी में थे और इसी तरह अरबी का ज़ाहिर है कोई एडिटर, कोई इस तरह का सेंसर बोर्ड में नहीं होगा मेंबर। आमतौर पर न्यूज़ चैनल में उर्दू जानने वाले, इंग्लिश जानने वाले लोग होते हैं, अरबी को समझने वाले लोग कम होते हैं, शायद पाकिस्तान में तो कहीं पर भी ना हो। तो लिहाजा हमसे ये गलती होगी, हम इस पर माजरत करते हैं, हमने दिल आज़ारी की है, तो हमें माफ़ किया जाए, ठीक है। और उन्होंने बाकायदा तौर पर उन्होंने बताया कि हमारी ऐसी कोई पॉलिसी है ही नहीं, ठीक है। लेकिन इसके बाद पैमरा ने बकायदा 24 न्यूज़ को 14 दिन के लिए मुअत्तल किया, उनको नोटिस भेजा, उनको तलब किया, यानी कि पैमरा ने भी एक्शन ले लिया, 24 न्यूज़ ने भी इसके ऊपर माफ़ी मांगी, माजरत की। लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने जाकिर तकी जाफर के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज की कराची के परेडी थाने में। फिर उनकी गिरफ्तारी की इतलात मौसूल हो रही थी, कुछ जगहों पर कहा जा रहा है कि उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है, कुछ लोग कहते कि नहीं, उनके कुछ साथियों को और उनके भाई को गालिबन गिरफ़्तार किया गया है। अब इसके बाद जो अपडेट आई है, कल ये अपडेट आई है कि लाहौर के एक शहरी ने थाना कायद अजम इंडस्ट्रियल एरिया में, पुलिस स्टेशन कायद अजम इंडस्ट्रियल एरिया, इस थाने में मोहसिन नकवी के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज करवाई है। और एफआईआर का मतन यही है कि उन्होंने जो ये कलमात थे, जो तौहीन आमेज़ कलमात थे सहाबा इकराम के ख़िलाफ़ जो बोले गए, ये उन्होंने अपने न्यूज़ चैनल पर बराह रास्त नशर की, तो लिहाजा इनके ख़िलाफ़ दो जो सेक्शन है इसके तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। एक 298A है और दूसरा इसके अंदर है एंटी टेररिस्ट एक्ट है, इंसदाद दहशतगर्दी का एक्ट है W11। इन दोनों मुकदमात के, दोनों दफात के तहत जो है इनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ये कायद अजम इंडस्ट्रियल एरिया का जो थाना है, ये पुलिस स्टेशन, इस एरिया में 24 न्यूज़ का ऑफिस भी आता है। जिस शख्स की जानिब से ये एफआईआर दर्ज करवाई गई, मुद्दई का नाम है खालिद महमूद। मैंने उनसे रابطہ करने की कोशिश की लेकिन मेरा उनसे रابطہ नहीं हो सका। एफआईआर की कॉपी इस वक्त आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के सुना देता हूँ। बखिदमत जनाब SHO साहिब थाना कायद अजम इंडस्ट्रियल स्टेट लाहौर, जनाब अली गुजारिश है कि मैं लाना फलाना सोसाइटी का लाहौर का रिहायशी हूँ, मैं इनके घर का एड्रेस हाइड कर रहा हूँ। मोरखा 30 अगस्त 2020 को बवक्त 1:06 बजे दिन, यानी कि जहर के टाइम की बात हो रही है, कराची में दौरान नमाज जहर डॉक्टर तकी जाफर ने अरबी ज़बान में दुआ करते हुए सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह ताला अन हज़रत अबू सुफियान और हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन के ख़िलाफ़ गुस्ताखाना अल्फाज इस्तेमाल करते हुए लानत भेजी,
नाउज़ुबिल्ला। टेलीविजन चैनल 24 ने इन अल्फाज को बराह रास्त टेलीकास्ट करके मीडिया के जरिए फिरकावारियत को फैलाया। चैनल 24 के मालिक चीफ एग्जीक्यूटिव मोहसिन नकवी ने यह फेल करके जुर्म देरे दफा W11 इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट 1997 और 298/8 पे PPC का किया है, लिहाजा इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो ये इन्होंने अपने एप्लीकेशन में जो FIR कटी हुई, इसके अंदर इनका ये बयान मौजूद है। अच्छा, इस मामले पर वज़ीर आज़म साहब ने भी 11 मुहर्रम अल-हराम को गालिबन ट्वीट किया था। उस ट्वीट में उन्होंने बकायदा किया था कि मैं शरपसंदों के ख़िलाफ़ और फ़िरकावारियत की जो आग फैलाते हैं, जो बड़गावा देते, इनके खिलाफ मैं अब सख्ती से निपटूंगा। एक बार मैं फिर आपको बता दूं कि जिन जाकिर ने ये कलमात अदा किए वहाँ पर कराची में, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो चुका है। 24 न्यूज़ ने भी बाकायदा तौर पर माफ़ी मांगी, उसके बावजूद पेमरा ने उनको नोटिस भेजा। वज़ीर आज़म ने भी इस मामले के ऊपर जो है ट्वीट किया, वो आप लोगों को मैंने बता दिया है। इसके अलावा अब मोहसिन नकवी, जो 24 न्यूज़ के ऑनर है, मालिक है, चीफ एग्जीक्यूटिव है, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो चुका है। और ये 298A जो सेक्शन लगी है, ये काबिले ज़मानत है। इसमें कम से कम 1 साल कैद है, इस कैद की सज़ा है और जुर्माना भी है, या दोनों सिचुएशन भी हो सकती है। बाकी कानूनी मामलात इसमें मैं नहीं जानता, ख़ास तौर पर उसमें मैं नहीं जाऊँगा। मैंने सिर्फ आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन डिलीवर करनी थी। मज़ीद अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, नोटिफिकेशन के आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली अपडेट वीडियो आपको मिलती रहे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिए। पाकिस्तान पाइंदाबाद।